आठ नफ्सियाती चालें जो लड़कियों पर काम करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लड़कों के नसीब ऐसे जागे हुए होते हैं कि वो जिस लड़की पर हाथ रखे वो उसकी हो जाती है। यकीनन ये आम बंदे के लिए सब कुछ किसी करिश्मे से कम नहीं, लेकिन सच तो ये कि ये कोई करिश्मा नहीं होता, बल्कि इसकी कुछ साइंसी वजूहात होती हैं। और ये साइंसी वजूहात, या इसे आप यहाँ ट्रिक कह लें, कि किसी को गिफ्ट में मिलते हैं और कुछ लड़के अपने आप को चेंज करके ऐसे काबिल हो जाते हैं कि लड़की का उसूल उनके लिए दाएं हाथ का खेल बन जाता है। आज की वीडियो में आपको वही ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूँ कि जिन्हें इस्तेमाल में लाकर आप अपनी पसंद की लड़की को हासिल कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली चाल, उसकी नकाली करें। हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे मिलते जुलते हों, इसलिए ड्रामाबाजी करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको जो लड़की या औरत अच्छी लगे आप उसका क्लोन बने, यानी उसके रवैये की ठीक ठीक नकल करके आसानी से उसकी दिलचस्पी का सबब बन सकते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मुताबिक किसी इंसान की शऊरी तौर पर नकाली करने से उसे अपना बनाया जा सकता है। दूसरी चाल, उसकी तारीफ़ें करें। अगर आप किसी की मुखलिसाना तारीफ़ करते हैं, इसका मतलब आप उसके दिल में उतर रहे हैं। मुताले से पता चलता है कि किसी की तारीफ़ हमें उससे बांधे रखती है। इसके लिए अगर आपको कोई पसंद है तो उसे बताएं कि आप कितनी अच्छी, कितनी काबिल एतमाद हैं। ये वो तरीका है कि आपसे अलग होने के बाद लाजमन वो आपके मुतालिक सोचेगी। जिस तरह किसी की बुराई से वो हमसे दूर होता है, बिल्कुल इसी तरह उसकी तारीफ से उसे अपने करीब किया जा सकता है। तीसरी चाल, उसके ऐप छुपाएं। अगर आप किसी लड़की को अपना बनाना चाहते हैं तो उसकी खामियों को नज़रअंदाज करें। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी की तहकीक से ये बात सामने आई है कि किसी की खामियों को अपनी पसंद बना लेना सामने वाले को हैरान कर देता है। ये एक नफ्सियाती चाल है। चौथी चाल, आँखों से रब्ता करें। मिलने के या सामने होने की सूरत में अपना वक्त उसे देखने में गुजारें, लेकिन उसे घूरने की कोशिश ना करें। इससे उसे इस बात का इल्म होगा कि आप उसके दीवाने हैं। पांचवी चाल, उसे छुएं। किसी लड़की से इजहार का एक तरीका उसे छूना भी है। इससे लड़की की तवज्जो बढ़ने लगती है। इसके लिए अपना मुख्तसर टच आजमाएं। इसके बाद मौका मिले तो उसके कंधे पर हाथ रखने की आदत डालें। रूट्स कॉलेज के तजर्बे से यह बात साबित हुई कि हल्के छूने का आगाज औरत की जल्द तवज्जो का बाइस बनता है। छठी चाल, उसे वक्त दें। कोशिश करें कि अगर वो आपके साथ पढ़ती है या काम करती है तो उसे छोड़ने और लेने की आदत डालें। अगर ये मुमकिन ना हो तो उसे वक्त दें, उसे ऐसा लगे कि उसके लिए आप फ्री हैं। आपका ज़्यादा वक्त उसे आपके ज़्यादा करीब ले आएगा। सातवीं चाल, असर। उस पर अपना असर छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसकी हाँ में हाँ करें, किसी भी बात में उसके खिलाफ ना जाएं। हाँ में हाँ करने से औरत के दिमाग में ये आता है कि कोई तो है जो उसे समझता है। आठवीं बात, खोलें। जी हाँ, आखिरी मरहले में अपने दिल की बात उस पर खोलें। इसके लिए कोशिश करें कि वह आपसे हर बात शेयर करें। जब आप उसकी सुनेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आने लगेगी। जब आपको लगे कि वो आपको चाहने लगी है तो पहले इशारों में और फिर खुलकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।